नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम BHU LLB इंट्रेंस 2015 का साल पेपर देखेंगे। सेक्शन एक का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नंबरों में से कौन श्रेणी का दूसरा नंबर होगा? इसका ऑप्शन दो सही है। एक प्रश्न दो है, निम्नलिखित नंबरों में से कौन श्रेणी का दूसरा नंबर होगा? इसका ऑप्शन तीन सही है, 95। प्रश्न तीन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन परिणाम होगा यदि 828 को 25 से गुणित किया जाता है? इसका ऑप्शन तीन सही है, 20,700। प्रश्न चार है, तीन से शुरू होने वाला एवं पाँच से समाप्त होने वाली पाँच अंकों की सबसे छोटी संख्या है? इसका ऑप्शन तीन सही है। प्रश्न पाँच है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण रूप से 99 द्वारा विभाज्य है? इसका ऑप्शन चार सही है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन 30% ऑफ 450 का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात 450 का 30% कौन है? इसका ऑप्शन दो है सही है, 135। प्रश्न सात है, निम्नलिखित नंबरों में से कौन प्रतिनिधित्व करेगा यदि 96 को 4.8 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम प्राप्त होगा? इसका ऑप्शन तीन सही है, 0.2। प्रश्न आठ है, ए के पास कुछ आम थे, उसने जितना खाया उसे 40% अधिक में बेचा, यदि उसने 70 आम बेचे तो उसने कुल कितने आम खाए? इसका ऑप्शन एक सही है, 50। प्रश्न नौ है, एक परीक्षा में 26 प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 5 अंक काटे गए जबकि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 8 अंक प्रदान किए गए, यदि सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे और कुल अंक प्राप्त हुए 0 तो यह बताइए कि कुल कितने प्रश्नों के उत्तर सही थे? इसका ऑप्शन तीन सही है, 10 प्रश्न सही थे। प्रश्न 10 है, यदि 35×35=1225 तो 3.5×3.5 होगा? इसका ऑप्शन दो सही है, 12.25। प्रश्न 11 है, जब किसी संख्या को 779 से विभाजित किया जाता है तो हमें शेषफल 47 प्राप्त होता है, क्या शेषफल प्राप्त होगा यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए? इसका ऑप्शन तीन सही है, 9। प्रश्न 12 है, एक दुकानदार 100 पेंसिल बेचकर 20 पेंसिल बेचने का लाभ प्राप्त करता है, उसका लाभ प्रतिशत 25% होगा? प्रश्न 13 है, एक विक्रेता 1 रुपये की 6 टाफियां खरीदता है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टाफियां बेचनी चाहिए? उसे 1 रुपये में 5 टाफियां बेचनी चाहिए। प्रश्न 14 है, ए बी से 2 गुना तेज है और बी सी से 3 गुना तेज है, सी द्वारा 42 मिनट में पूरी की गई यात्रा ए द्वारा कितने समय में पूरी की जाएगी? इसका ऑप्शन एक सही है, 7 मिनट में। प्रश्न 15 है, एक कार एक यात्रा 8 घंटे में पूर्ण करती है, यह आधी दूरी 40 किमी प्रति घंटा के हिसाब से एवं बाकी 60 किमी प्रति घंटा के हिसाब से पूर्ण करती है तो यात्रा की पूर्ण लंबाई 384 किलोमीटर है। प्रश्न 16 है, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में यह प्रतिपादित किया कि जनजातियों को हथियारों से लैस करना असंवैधानिक है? इसका ऑप्शन एक सही है, नंदिनी सुंदर बनाम राज्य। प्रश्न 17 है, ई न्यायालय परियोजना किस वर्ष में लॉन्च की गई थी? इसका ऑप्शन चार सही है, 2007 में। प्रश्न 18, भारतीय संविधान में किसको आपराधिक अभियोजन से छूट के लिए प्रावधान नहीं है? इसका ऑप्शन चार सही है, उपरोक्त सभी अर्थात प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री। प्रश्न 19 है, निम्न में से कौन भारत में जेल विधि शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन दो सही है, न्यायाधीश बी आर कृष्णा अय्यर। प्रश्न 20 है, जमानत का शाब्दिक अर्थ है सियोरिटी। प्रश्न 21 है, निम्न में से किस न्यायालय ने देश में प्रथमतः ग्रीन ब्रेंच की स्थापना की? इसका ऑप्शन एक सही है, कलकत्ता। प्रश्न 22 है, निम्न में से कौन पुस्तक जस्टिस फॉर द कॉमन मैन के लेखक हैं? इस पुस्तक के लेखक तीन हैं, अशोक कुमार सेन, मोतीलाल चिमनलाल सेतलवाड़ और जीएस पाठक। प्रश्न 23 है, निम्न में से कौन पुस्तक लीगली स्पीकिंग के लेखक हैं? इसका ऑप्शन एक सही है, जस्टिस बी आर कृष्णा अय्यर। प्रश्न 24 है, निम्न में से कौन बौद्धिक संपत्ति में शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन चार सही है, बौद्धिक व्यक्ति की संपत्ति। प्रश्न 25, केंद्रीय सतर्कता आयोग को कब से वैधानिक दर्जा दिया गया है? 25 अगस्त 1998 से। प्रश्न 26 है, स्वयमेव ही इप्सो फैक्टो से तात्पर्य है उस तथ्य के कारण। प्रश्न 27 है, अपराध के अन्वेषण में उपयोग में ली जाने वाली चिकित्सकीय विज्ञान को कहा जाता है भेषजीय विज्ञान अर्थात फोरेंसिक साइंस। प्रश्न 28 है, चैटल से आप क्या समझते हैं?
चैटल का अर्थ कहीं पर गाय दिया है और कहीं पर चल संपत्ति दिया है, तो इसमें से कोई एक हो सकता है। प्रश्न 29 है, निम्न में से किस राज्य ने भारत में सर्वप्रथम प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की? पश्चिम बंगाल ने। प्रश्न 30 है, 10 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो उसी कार्य को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? इसका ऑप्शन 4 सही है, 160। प्रश्न 31 है, निम्न में से कौन भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर थी? इसका ऑप्शन 1 सही है, कार्नेलिया सोराबजी। प्रश्न 32 है, किसके द्वारा शब्द कॉलेजियम का प्रथम बार उपयोग किया गया? जस्टिस भगवती द्वारा। प्रश्न 33 है, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक जॉन रॉल्स हैं। प्रश्न 34 है, निम्न में से अनुसूचित जाति का प्रथम न्यायाधीश कौन है जिसे भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में एलिवेट किया गया? इसका ऑप्शन 1 सही है, ए वरदराजन। प्रश्न 35 है, किशोर न्याय केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अधिनियम 2000 कब से प्रभाव में आया? इसका ऑप्शन 2 सही है, 1 अप्रैल 2001। प्रश्न 36, एक डॉक्टर का अपने रोगी के साथ वैश्वासिक संबंध है। प्रश्न 37, ऑक्सीफिकेशन का परीक्षण किसके लिए किया जाता है? उम्र के लिए। प्रश्न 38 है, एक व्यक्ति जो न्यायालयों में और अन्य प्राधिकारियों के समक्ष अवैधानिक रूप से प्रैक्टिस करता है उसकी सजा की अवधि होगी 6 महीने। प्रश्न 39, उबी जस इबी रेमेडियम उक्ति का अर्थ है हर दोष के लिए उपचार होता है। प्रश्न 40 है, किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में विधि विरुद्ध प्रवेश का कृत्य कहलाता है अतिचार। प्रश्न 41 है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया अधिनियम 1986 किसके द्वारा पारित किया गया? कर्नाटक सरकार द्वारा। प्रश्न 42, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किसके द्वारा लागू किए गए? सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा। प्रश्न 43 है, लोकहितवाद की अवधारणा का अभ्युदय संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। प्रश्न 44 है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ पणजी में है? मुंबई की। प्रश्न 45 है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल होती है। प्रश्न 46 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1 अप्रैल 1974 को प्रभाव में आई। प्रश्न 47 है, भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में शब्द मजिस्ट्रेट का उपयोग किया गया है? अनुच्छेद 22 में। प्रश्न 48 है, अपहरण में अवयस्क की सहमति है पूर्ण रूप से अतात्विक। प्रश्न 49, चोरी का अपराध किससे संबंधित है? सिर्फ चल संपत्ति से। प्रश्न 50 है, होमिसाइड का शाब्दिक अर्थ है एक मानव द्वारा दूसरे मानव को मारना। प्रश्न 51 है, एक प्रस्ताव जब स्वीकार कर लिया जाता है तो बन जाता है प्रॉमिस। प्रश्न 52, एक निष्पादित प्रतिफल है सकारात्मक वचन के जवाब में किया गया कृत्य। प्रश्न 53 है, जब एक ऑफर आम जनता के लिए दी जाती है तो ऑफर कहलाती है जनरल ऑफर। प्रश्न 54 है, भारतीय संविधान अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1872 में। प्रश्न 55, निम्न में से कौन सा अपराध मानव शरीर से संबंधित नहीं है? देशद्रोह। प्रश्न 56 है, स्वतंत्रता के बाद भारत का उच्चतम न्यायालय किस वर्ष में अस्तित्व में आया? सन 1950 में। प्रश्न 57 है, निम्न में से कौन वैकल्पिक विवाद निपटारा का भाग नहीं है? वाद। प्रश्न 58 है, आशय और जानकारी का प्रश्न है तथ्य का प्रश्न। प्रश्न 59, विधि की उपधारणा जिसे साक्ष्य द्वारा पार पाया जा सकता है कहलाती है खंडनीय उपधारणा। प्रश्न 60 है, चेक के अनादरण को किस वर्ष में आपराधिक अपराध बनाया गया? सन 1989 में। प्रश्न 61, भारतीय संविधान है संघात्मक समदृश्य। प्रश्न 62 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग उसके निर्माताओं के मस्तिष्क एवं विचारों को परिलक्षित करता है? प्रस्तावना। प्रश्न 63, प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता एवं फ्रेटर्निटी का विचार कहाँ से प्रेरित होकर लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। प्रश्न 64 है, एक भिन्न का पता लगाइए, इसमें संपत्ति का अधिकार भिन्न है और इसे समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न 65 है, मूल अधिकार किससे विरुद्ध उपलब्ध है? इसका ऑप्शन 4 सही है, राज्य। प्रश्न 66 है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार किसमें उपलब्ध है? इसका ऑप्शन 3 सही है, अनुच्छेद 25 से 28 तक। प्रश्न 67 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(2) के अनुसार निम्न कथनों में से जो इस बाबत हो कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी गई है वह क्या सलाह दी गई वह सही होगी? इसका ऑप्शन 1 सही है, यह किसी न्यायालय में जांच का विषय नहीं होगी।
प्रश्न 68 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है? इसका ऑप्शन 3 सही, अनुच्छेद 79। प्रश्न 69 है, लोकसभा में स्पीकर का वोट कहलाता है कास्टिंग वोट। प्रश्न 70 है, राज्यसभा की अधिकतम सीटें हैं 250। प्रश्न 71 है, राज्य जहां दो स्तरीय विधायिका है वहीं ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? विधान परिषद के नाम से। प्रश्न 72 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है? 11वीं अनुसूची। प्रश्न 73 है, UPSC की वार्षिक रिपोर्ट किससे प्रस्तुत की जाती है? राष्ट्रपति को। प्रश्न 74 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। प्रश्न 75 है, भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में आती हैं। प्रश्न 76 है, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? इसका आप संचार से यह निश्चित नहीं है। प्रश्न 77 है, निम्न में से ग्राम स्वराज शब्द किसने दिया? महात्मा गांधी ने। प्रश्न 78 है, महिला आरक्षण बिल प्रथम बार संसद में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? 1996 में। प्रश्न 79 है, प्रीवी पर्स का किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? इसका ऑप्शन 3 सही है, 26वां संशोधन। प्रश्न 80 है, विधायिका की विधायन की शक्ति किसके अधीन है? मूल अधिकार के अधीन। प्रश्न 81 है, निम्न में से कौन सा न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? ऑप्शन 4 सही है, 1 व 2 दोनों, अर्थात उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। प्रश्न 82 है, 9वीं अनुसूची में इसके संविधान में शामिल करते समय कितने आइटम थे? इसका ऑप्शन 1 सही है, 8। प्रश्न 83, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है 1 मूल अधिकार। प्रश्न 84 है, क्या उच्चतम न्यायालय अपने ही निर्णय से बाध्य है? इसका ऑप्शन 2 सही है, नहीं। प्रश्न 85 है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से स्वतः सस्पेंड हो जाते हैं? इसका ऑप्शन 2 सही, स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न 86 है, प्रोटीन की कमी से होता है क्वासीरकता। प्रश्न 87 है, शरीर का वजन होता है इक्वेटर पर सबसे कम। प्रश्न 88 है, DNA से तात्पर्य है डाई ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। प्रश्न 89 है, ब्लड प्रेशर नापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र का नाम क्या है? इसका ऑप्शन 2 सही है, स्फिग्नोमैनोमीटर। प्रश्न 90 है, 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार। प्रश्न 91 है, एक बार जब घाव पर खून का थक्का बन जाता है तो नुकसानदायक बैक्टीरिया को खून में जाने से रोकता है स्केप फॉर्मेशन। प्रश्न 92 है, सिराएं खून को ले जाती हैं हृदय की ओर। प्रश्न 93 है, पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन से। प्रश्न 94 है, भोपाल आपदा किस गैस के कारण हुई थी? इसका ऑप्शन 3 सही है, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। प्रश्न 95 है, राजस्व प्राप्त करने के लिए लगाए गए अस्थायी कर को कहा जाता है सेस। प्रश्न 96 है, 100 के लिए रोमन न्यूमेरिकल है सी। प्रश्न 97 है, वह संख्या कौन सी है जिसमें से 9 घटाने पर उसके अंक उलट जाते हैं? तो वह संख्या 54 है, जिसमें से 9 घटाने पर 45 होगा, अर्थात अंक उलट जाएंगे। प्रश्न 98 है, नकारात्मक संख्या का स्क्वायर होता है सकारात्मक। प्रश्न 99 है, भिन्न को अलग कीजिए, इसका ऑप्शन 4 सही है, प्रिज्म। प्रश्न 100 है, कौन सा शब्द एक अलग वर्ग है? इसका ऑप्शन 3 है, भेड़। प्रश्न 101 है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? इसका ऑप्शन 3 सही है, राष्ट्रपति। प्रश्न 102 है, भारत किस दिन संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना? 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न 103 है, लिखित संविधान में अर्थान्वयन का दायित्व किस पर होता है? न्यायपालिका पर। प्रश्न 104 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की। प्रश्न 105 है, दो राष्ट्रों का सिद्धांत किसने दिया? MA जिन्ना ने। प्रश्न 106 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न 107, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 108 है, एक्स पार्टी निर्णय से तात्पर्य ऐसे निर्णय से है जो विरोधी पक्षकार को सुने बिना दिया जाता है। प्रश्न 109 है, एक दस्तावेज जिसके द्वारा एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में शक्ति प्रदान करता है कहलाता है पावर ऑफ अटॉर्नी। प्रश्न 110, प्रतिभूति बाजार में IPO से क्या तात्पर्य है? इसका ऑप्शन 3 सही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। प्रश्न 111 है, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट किस वर्ष में बना?
1956 में प्रश्न 112 है, निम्न में से किस विधि विश्वविद्यालय में हाल ही में भारत सरकार ने प्रोफेसर जगदीश भगवती के नाम से फेलोशिप स्थापित की गई। तो यह करंट अफेयर का प्रश्न है, इसका ऑप्शन 3 सही है, कोलंबिया। प्रश्न 113 है, विधि शिक्षा निदेशालय में निम्न में से कौन प्रथम निदेशक था, इसका ऑप्शन 1 सही है, वी बी कुटिन्नो। प्रश्न 114 है, 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में निम्न में से किसने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, सी आर दास ने। प्रश्न 115 है, एक ब्लैक होल है गंभीर गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण सिकुड़ा हुआ स्टार। प्रश्न 116 है, हेले कॉमेट कितने साल में एक बार दिखाई देता है, 76 वर्ष में। प्रश्न 117, पृथ्वी की सतह का कुल एरिया है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। प्रश्न 118 है, समुद्र में ज्वार भाटा में क्या संग्रहित होता है, इसका ऑप्शन 4 सही है, उपरोक्त तीनों प्रकार की एनर्जी का सम्मिश्रण अर्थात हाइड्रोलिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। प्रश्न 119 है, पृथ्वी के गर्भ में प्रतिशत के हिसाब से मास में सबसे ज़्यादा तादाद में निम्न में से कौन सा होता है, इसका ऑप्शन 2 सही है, ऑक्सीजन। प्रश्न 120, निम्न में से क्या पृथ्वी के घूमने के कारण प्रभावित नहीं होता है, इसका ऑप्शन 4 सही है, हवा की दिशा में और समुद्री करंट में बदलाव। प्रश्न 121 है, भारत में प्रतिवर्ष विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 122 है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, यूरी गागरिन। प्रश्न 123, भारत में किस शहर में प्रथम विधि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, बेंगलुरु में। प्रश्न 124 है, भारत में राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है एक्साइज ड्यूटी। प्रश्न 125, भारत की प्रथम बोलती फिल्म है आलम आरा। प्रश्न 126 है, विष्णु शर्मा के द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है, पंचतंत्र। प्रश्न 127 है, बुखार में हृदय की गति हो जाती है तेज। प्रश्न 128 है, लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न 129 है, डायनासोर है रेंगने वाला। प्रश्न 130 है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर। दोस्तों अब यहाँ से सेक्शन 2 स्टार्ट होता है, जिसमें 20 प्रश्न अंग्रेजी के हैं और 20 प्रश्न हिंदी के हैं, जिसमें से किसी एक भाषा का प्रश्न आपको करना है। पहले इंग्लिश के प्रश्न देखते हैं। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 131 to 134, सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। क्वेश्चन 131, एग्जैगरेट मीन्स ओवर स्टेट। क्वेश्चन 132, लैंग्वेज मीन्स टू बिकम डिस्पिरिटेड। क्वेश्चन 133, रेपोर्ट मीन्स हारमोनियस रिलेशन। क्वेश्चन 134, रिबेट मीन्स डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 135 to 138, सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। क्वेश्चन 135, अपोजिट ऑफ मर्सिनरी इज जेनरस। क्वेश्चन 136, अपोजिट ऑफ एवर इज लव। क्वेश्चन 137, अपोजिट ऑफ फॉली इज विजडम। क्वेश्चन 138, अपोजिट ऑफ हाइटन इज डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 139 to 142, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। क्वेश्चन 139, नेवर एंटर नो क्वेश्चन 139, नेवर एंटर माई हाउस अगेन, हेयर नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन 142, डिवाइड 12 मैंगोज अमॉन्ग 3 बॉयज। क्वेश्चन 141, सी कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली। क्वेश्चन 142, प्रोफेसर कुमार विल टेक ओवर एज द न्यू प्रिंसिपल टुमारो। क्वेश्चन नंबर 143 to 146, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। क्वेश्चन 143, अनलेस ही लीव्स दिस ऑफिस आई विल नॉट से एनीथिंग। क्वेश्चन 144, देयर इज नथिंग मोर मिजरेबल देन प्रॉपर्टी इन यूथ। क्वेश्चन नंबर 145, एंड ओवरडोज ऑफ क्लोरोफार्म इज एज फैटल टू अ प्लांट एज टू अ मैन। क्वेश्चन 146, माई फ्रेंड फील्स एज दो नथिंग हैपेंड टू हिम। क्वेश्चन नंबर 147 to 148, आइडेंटिफाई द पार्ट हैविंग एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। क्वेश्चन 147, ऑप्शन 4 इज हैविंग एरर। क्वेश्चन 148, ऑप्शन 1 इज हैविंग एरर। क्वेश्चन नंबर 149 to 150, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडियम्स। क्वेश्चन 149, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ मीन्स नैरोली। क्वेश्चन 150, ऑप्शन चॉइस मीन्स नो चॉइस।
दोस्तों अब यहाँ से हिंदी भाषा के प्रश्न शुरू होते हैं। हिंदी लेने वाले विद्यार्थी हिंदी के प्रश्न करेंगे। प्रश्न 151 है, इनमें से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? इसका ऑप्शन 4 सही है, गुजराती। प्रश्न 152 है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की लिपियों का विकास किस मूल लिपि से हुआ है? इसका ऑप्शन 3 सही है, ब्राह्मी। प्रश्न 153 है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र सरकार को राज्य भाषा का विकास कार्य सौंपा गया है? अनुच्छेद 351 में। प्रश्न 154 है, देवनागरी लिपि में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की? आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। प्रश्न 155 है, जिन शब्दों का लिंग वचन कारक पुरुष आदि के अनुसार रूप परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। प्रश्न 156 है, क्रिया के अंत में प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्दों को कृदंत कहते हैं। प्रश्न 157 है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें पहला शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। प्रश्न 158 है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयनित कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दूसरा है, सन्यासी। प्रश्न 159 है, पाहुना का शुद्ध तत्सम रूप है प्रागुड़। प्रश्न 160 है, कोठी का शुद्ध तत्सम रूप चयनित कीजिए। इसका ऑप्शन 4 सही होगा, कोष्ठिका। प्रश्न 161 है, युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाक्य की जगह एक शब्द युत्सा होगा। प्रश्न 162 है, प्रचुर शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? तो इसमें आत्यंतिक शब्द प्रचुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न 163 है, प्रेम शब्द का समानार्थी इनमें से कौन नहीं है? इसका ऑप्शन 1 सही है, प्रणय शब्द प्रेम शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रश्न 164 है, अभिशाप का सही विलोम शब्द आशीष होगा। प्रश्न 165 है, जिस समय पंजाब में फुलौरी जी हिंदी के प्रचार में संलग्न थे उस समय बंगाल में यही कार्य नवीन चंद्र राय कर रहे थे। प्रश्न 166 है, समकालीन हिंदी आलोचना की महत्वपूर्ण पत्रिका आलोचना किस प्रकाशन के स्वामित्व में प्रकाशित होती है? यह राजकमल प्रकाशन के स्वामित्व में प्रकाशित होती है। प्रश्न 167 है, रंग लाना मुहावरे का सही अर्थ होगा हालत पैदा करना। प्रश्न 168 है, हजामत बनाना मुहावरे का सही अर्थ है पीटना। प्रश्न 169 है, निर्जन में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो निर्जन में बहुव्रीही समास प्रयुक्त है। प्रश्न 170 है, मनोहर पद का सही संधि विच्छेद मन धन हर होगा। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। अन्य वर्ष के पेपर भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने सवाल या सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।